हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम एकेडमी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं पहले बोलती थी कि आप अच्छे से केवीएस इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, बट यस आई नो जो अभी टाइम चल रहा है ना, इतने टाइम से तो एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग हो रखा है, मींस बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है कि पढ़ाई ना नहीं हो पा रही है। तो आई नो केवीएस पीआरटी के रिजल्ट का भी कुछ पता नहीं है, तो आपकी प्रिपरेशन अभी नहीं हो पा रही होगी। बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग एनवायरनमेंट हो रहा है, मुझे नहीं पता क्यों। चाहे आपने चंडीगढ़ जेबीटी का फॉर्म भर दिया हो, बिहार शिक्षक भर्ती का फॉर्म भरा हो, आप चाह भी रहे हो ना कि आप पढ़ाई करो, बट एनवायरनमेंट आसपास का ऐसा बना हुआ है कि नहीं हो पा रहा है। बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रही है कि इसकी कट ऑफ इतनी हाई जाएगी, ऐसे आएगा रिजल्ट, अब आएगा, कब आएगा। तो इसी चीज़ से रिलेटेड आप लोगों के बहुत सारे कॉमेंट्स आ रहे थे कि आप केवीएस पीआरटी के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हो, केवीएस पीआरटी का रिजल्ट कब आएगा, आप इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे, इस पर वीडियो क्यों नहीं बना रहे, या हमें बताओ केवीएस पीआरटी का रिजल्ट कब आएगा। तो देखो, टू बी ऑनेस्ट, आज हम इस वीडियो में इसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, बट मैं इस चीज़ को ना बहुत लंबा खींचूंगी नहीं, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। केवीएस का रिजल्ट कब आना है ये सिर्फ देखो केवीएस ही बता सकता है कि केवीएस का रिजल्ट कब आएगा, और ये उस बोर्ड को ही पता है। और ये जो यूट्यूब पर वीडियोज़ आ रही हैं कि केवीएस का रिजल्ट अब आएगा, इतनी तारीख को आएगा, मुझे नहीं पता वो क्यों आ रही है, बट मुझे नहीं पता कि उनमें कुछ सच्चाई भी है या नहीं। क्योंकि देखो केवीएस का रिजल्ट एक ही रीज़न से रुका हुआ है, ये आप सबको पता है, बीएड वर्सेस बीटीसी। ठीक है, कि अभी तक केवीएस में केस चल रहा है, डीट्रिपल एसबी पर भी केस हुआ हुआ है, और इसी वजह से डीट्रिपल एसबी की वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, ये चीज़ फिक्स है। ठीक है, जो हमारी 2021-22 वाली वैकेंसी थी, जो जेबीटी की वापस ली गई है पीआरटी की, उसको वापस लेने का रीज़न भी सिर्फ एक यही था कि बीएड वालों को उसमें इंक्लूड करना चाहिए या नहीं, क्योंकि वो जो फॉर्म निकलते हैं उसमें डीट्रिपल एसबी वालों में बीएड भी इंक्लूड होती, तो इसीलिए उस पर केस किया गया और वो वैकेंसी वापस ले ली गई। ठीक है, सेम अभी ये चीज़ केवीएस के साथ भी हो रही है। तो जो जेबीटी का, जो जेबीटी वर्सेज बीएड चल रहा है ना, उसका कोर्ट का फैसला आने के बाद ही केवीएस का रिजल्ट आएगा। तो इतने महीनों से आपको पता चल गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा कि केवीएस का रिजल्ट क्यों नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ जितने भी ऑलमोस्ट सभी के रिजल्ट आ चुके हैं, टीजीटी, पीजीटी, लाइब्रेरियन जो हमारे साथ हुए थे, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, सिर्फ पीआरटी का रह गया है। तो पीआरटी का नहीं आने का रीज़न यही है, क्योंकि अभी तक जेबीटी वर्सेज बीएड का फैसला नहीं आया है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये रहता है कि जेबीटी वर्सेज बीएड का है वो फैसला कब आएगा, क्योंकि रिजल्ट हमारा उसी के बाद आएगा। बाकी नोटिफिकेशन जो पहले आई थी केवीएस की, आप लोगों ने पढ़ी होगी, उसमें था कि जो केवीएस पीआरटी का रिजल्ट है वो बिल्कुल तैयार है। एक तो जेबीटी के साथ वालों के साथ सिर्फ, जिसमें डीएलएड वाले इंक्लूड है, और एक वो जिसमें बीएड वाले भी इंक्लूड है। बट अगर वो जारी कर देती है ना केवीएस, दोनों ही रिजल्ट जारी करे या दोनों में से एक रिजल्ट जारी करे, तो फैसला आने के बाद ना केवीएस को बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाएगा। अगर बीएड वालों के साथ करा और बाद में बीएड को भारी करना पड़ रहा, तो सारे बीएड वाले केस करेंगे। ठीक है, और अगर इन्होंने बीएड जेबीटी वालों के साथ निकाल दिया और उनको बीएड को इंक्लूड करना पड़ा, तो फिर सारे जेबीटी वाले केस करेंगे। तो केवीएस के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा भारी होने वाली है, इसलिए केवीएस अभी बिल्कुल शांत बैठा हुआ है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है कि जेबीटी और जो बीएड वाला रिजल्ट वो कब आएगा। तो देखो, लास्ट सुनवाई जो थी जनवरी, 12 जनवरी के आसपास हुई थी। ठीक है, वहाँ पे हायरिंग वगैरह हुई थी। तो अभी आप लोगों को पता होगा कि जो जुलाई में डेट दी गई है, ठीक है, जो जज हैं जिनसे सुनवाई चल रही है, जो एक हमारे फेवर मतलब बैठे हैं जो जज हमारे करने के लिए, उन्होंने बोला है कि जो फैसला आएगा जेबीटी वर्सेस बीएड वाला, वो जुलाई के थर्ड वीक में आएगा। ठीक है, थर्ड वीक, तो सेकेंड वीक तो चल ही रहा है, ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है, दो दिन बचे हैं क्योंकि सैटरडे संडे तो ऑफ रहता है। ठीक है, तो थर्ड वीक में रिजल्ट आने वाला है। तो थर्ड वीक में भी कब, मोस्ट प्रोबेबली 17 तारीख को। ठीक है, 17 जुलाई को फैसला हो जाएगा कि केवीएस में बीएड वालों को इंक्लूड किया जाएगा या नहीं। ठीक है, 17 तारीख को फैसला हो जाएगा, और 17 को भी अगर नहीं होता है तो जुलाई का जो थर्ड वीक है, मीन्स आप पूरा लगा लो 17 से 24 के बीच में हमें पता चल जाएगा डीट्रिपल एसबी में भी और केवीएस में भी कि बीएड वालों को इंक्लूड किया जाएगा या नहीं। तो जैसे ये रिजल्ट आ जाएगा, उसके दो तीन बाद आप लगा लो केवीएस का रिजल्ट आ जाएगा, और केवीएस का रिजल्ट आने के बाद फिर थोड़ा सा प्रोसेस ना फास्ट हो जाएगा। इंटरव्यू के लिए हो सकता है 10-15 दिन मिले, और 10-15 दिन के बाद ही आपकी इंटरव्यू की डेट वगैरह आ जाए। फिर अभी ये भी देखना है कि कट ऑफ वगैरह कितनी जाती है। तो ठीक है, अभी बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, इतना ज़्यादा आपने वेट कर लिया। देखो, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, थोड़ा सा बस एक हफ्ते और 15 दिन की बात हो रही है, उसमें पता चल जाएगा कि रिजल्ट कब तक आएगा,
केवीएस का भी और कोर्ट का भी। बाकी कोर्ट का डिसीजन आने के बाद ही अब केवीएस का रिजल्ट आने वाला है। तो जो इधर उधर वीडियो हो रही है वो फालतू की वीडियो मत देखो, वो बहुत माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि रिजल्ट जब आना होगा वो तभी आएगा। हाई कट ऑफ जाएगी, कम कट ऑफ जाएगी, वो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। तो सोच सोच के दिमाग को क्यों खराब करना है ना। जो हमारे पास चांस है, मौका मिल रहा है एग्जाम देने का, उनको एग्जाम देते हैं। और इसके अलावा अगर आप कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हो।